रमजान का आधा महीना गुजरने के बाद डीजी इंडस्ट्री मुदस्सिर रियास मलिक ने रमजान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप पर मिलने वाली सब्जियों को गैर मियारी करार दे दिया है। टमाटर और सब्जियां अच्छी क्वालिटी की रखने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खसूसी तौर पर मुनासला तहरीर कर दिया गया। एक बार फिर आपको बताते चलें कि रमजान का आधा महीना गुजरने के बाद डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज मुदस्सिर रियास मलिक ने रमजान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप पर मिलने वाली सब्जी को गैर मयारी करार दे दिया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान रसा मलिक से। रसा मलिक साहब, बताइएगा क्या बहुत देर नहीं कर दी मेहरबान ने आते आते? जी बिल्कुल, ये दौरा जो है अफगान की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो इनका दौरा करें। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज मुदस्सिर रियाज मलिक ने दौरा किया था मुल्तान के रमजान बाजारों का। तो शमसाबाद में जो टमाटर है जो फेयर प्राइस शॉप पर महकमा ज़राअत की तरफ से जो फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है रमजान बाजारों में, वहाँ जो सब्जी थी वो सब स्टैंडर्ड थी और इस हवाले से वहाँ मौके पर उन्होंने उसकी निशानदेही भी की डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने और इस हवाले से मार्केट कमेटी के हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई का अंदिया दिया। इस हवाले से अब उनने तमाम जिला मुल्तान के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर मुल्तान को खसूसी मुरासा तहरीर किया है कि वो इस हवाले से भरपूर और तवज्जो दें कि महकमा ज़राअत की जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ जो सब्जी है वो सब स्टैंडर्ड है, उसकी क्वालिटी को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए और बिल्कुल टमाटर नींबू और जो दीगर सब्जियाँ हैं उनकी बेहतर क्वालिटी वहाँ फराम की जाए ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियात फराम की जा सके। इस हवाले से जो मुरासला है वो मौसूल हो चुका है मुल्तान को और डिप्टी कमिश्नर को। रजा मलिक, ये कहिएगा जिस तरह से महरीन कह रही थी कि आधा रमजान गुजरने के बाद मेहरबान आए हैं, तो क्या अब आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आ सकेगी फेयर प्राइस शॉप पे? क्योंकि मुदस्सिर रियास मलिक ने तो लिख दिया, क्या अब उस पर अमल दरामद होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, कुछ बेहतरी आएगी चीजों में या यूं ही चलेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से पूरा ख्याल है कि गंदम खरीदारी का सिलसिला भी साथ साथ जारी है और मुख्तलिफ अमूर जो है वो जानने की तवज्जो उस तरफ भी है। इस वाले से जो फेयर प्राइस शॉप है जो मार्केट कमेटी की तरफ से और महकमा ज़राअत की तरफ से लगाई जाएंगी, इस वाले से मार्केट कमेटी एक जो हुक्काम है वो मुसलसल गफलत का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं और उनके अफसरान जो है वो तवज्जो नहीं दे पा रहे अपने उन फेयर प्राइस शॉप पर जहाँ हुकूमत पंजाब की तरफ से सब्सिडी फराम की गई है। यकीन आधा रमजान गुजर चुका और इस हवाले से शहरियों ने सिर्फ सस्ती अशिया खरीदने के लिए उन फेयर प्राइस आपने जो सब तरह की सब्जियां हैं वो खरीदी हैं। इस हवाले से मुदस्सिर रियाज मलिक ने अब निशानदेही की है तो यकीनी तौर पर इस हवाले से जो डिविजनल और अजले इंतजामिया है वो यकीनन मुतारिक होगी और फेयर प्राइस। रजा मलिक, ये कहेगा हमने देखा कि जो मुदस्सिर रियाज मलिक हैं ये डीसी मुल्तान भी रह चुके हैं, अब जो है डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज हैं, तो क्या इनके पास ये कार्रवाई करने का अख्तियार मौजूद है? क्या ये कार्रवाई करने के मजाज हैं रमजान बाजारों में? जी बिल्कुल, तो ये डीजी इंडस्ट्रीज के तौर पर तमाम तक रमजान बाजारों में जो औजान पैमाने हैं वो चेक करने की भी इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने वहाँ जो आटा फ्राहम किया जा रहा था तो आटे का भी जब वजन किया था तो आटा भी वजन में कम था, जिस पर 30,000 रुपए जुर्माना किया गया उस साल को उस कंपनी को और इस हवाले से तमाम चीनी के जो वजन है वो भी उन्होंने चेक किया था। तो तमाम रमजान का वजन भी कम था और कार्रवाई करने के मजाज भी हैं। रसा मलिक, ये मुख्तसर कहिएगा अगर ये तमाम तर चीजें नाकिस हैं तो फिर क्या कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जो कार्रवाई है वो उस पर सवालिया निशान नहीं उठ जाता? डिप्टी कमिश्नर जो है मुल्तान आमिर खटक वो मुसलसल मुतारिक है और सुबह जो है रोजाना की बुनियाद पर जो मंडी है वहाँ नैलामी का अमल भी चेक किया जाता है। इस हवाले से बेहतर। रजा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।